तो हेलो एंड अ वेरी वॉ वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बीडर केटवल अगर आप सब इस वीडियो को केटवल पर देख रहे हैं तो मेक श्योर sure आप हमारे सी यू टी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारे कंटेंट्स सा अभी उस पर आने वाले हैं सी यू टी रिलेटेड एंड जेनुअन कंटेंट बाई द वे सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है आपको मिस गाइड नहीं किया जाता दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं करा है बट बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स ने ये अनाउंस कर दिया है कि इन्होंने ये चीज़ें रखी है ऑफिशियली अभी नहीं आई है बट फिर भी न्यूज पेपर से अगर वेरीफाई कर रहा है तो हम लोगों ने सोचा कि इस पे वीडियो बना देते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ है जो सीनारियोज बन रहा है उनको आपको किस तरीके से लेना है सही एक्सप्लेनेशन के साथ सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है सबसे पहले उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर दिया है कि एक्सेप्ट माइनॉरिटी कॉलेजेस सारे के सारे जो एडमिशन होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो सी के स्कोर पे ही होंगे अच्छा माइनॉरिटी कॉलेज कौन कौन से होते हैं तो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं ऐसे कॉलेज जो ऑटोनोमस भी होते हैं एंड जिनमें कुछ सीटें जो है किसी खास कम्युनिटी के लिए रिजर्व रखी जाती है जैसे अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो कॉलेजेस ऐसे हैं जीसस एंड मैरी कॉलेज एंड आपका सेंट स्टीफन जहाँ पे क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी के तौर पर उनके लिए सीट्स रिज़र्व होती है फिर एक तेग बहादुर खालसा कॉलेज है वहाँ पर भी सीट्स रिज़र्व होती है तो वहाँ पर पचास परसेंट जो सीट्स है वो रिज़र्व रहेंगे एंड उसके अलावा जो हम एडमिशन uh, लेंगे उसमें पचासी हम लोग सी के स्कोर को देखेंगे और पंद्रह जो बेटे चढ़ेगा उसको देखेंगे हम लोग की अपने तरफ से क्या किया जा सकता है ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब से पहले मेरिट निकलती थी डीयू में तो सेंट एक ऐसा कॉलेज था वाहिद जो केवल बोर्ड के स्कोर पे आपको नहीं एडमिशन देता था आपने बोर्ड का स्कोर लिया ठीक है उसके बाद उस पर अप्लाई करते थे फिर वो आपका इंटरव्यू लेता था ठीक है एक छोटा सा इंटरव्यू होता था साक्षात्कार ठीक है कुछ सवाल भी आपको सॉल्व करने को देते थे एंड पर्सनल इंटरेक्शन भी करते थे देन आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो निकलती थी तो उन्होंने जो है वो ऑटोनोमस है चूंकि सम्मान रखा है कहा कि पचास परसेंट आप सीट रिजर्व रखो एंड बाकी के पचास परसेंट में जो है पचासी परसेंट आप वेटेज दो सी यू टी के स्कोर को एंड पंद्रह परसेंट आप देख लो अगर आपको ट्वेल्थ के स्कोर पे देना है या आपको अपना साक्षात्कार लेना है इंटरव्यू लेना है तो आप अपना करा लो तो वो बाकी जैसे कॉलेजेस निकालते जाएंगे मैं आपको बताता चाहूंगा बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट एडमिशन बेस्ड ऑन सी यू टी स्कोर ओनली एंड सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जितने भी बच्चे मुझे डी यू जैट को लेके पूछ रहे थे कि सर बी एम एस जो एक बहुत अच्छा कोर्स है कोर्स है सही सुखदेव का तो क्या उसके लिए हमें डी यू जैट देना पड़ेगा तो उसको भी अब हटा दिया गया है उन्होंने कहा है कि सी यू टी के स्कोर पे ही हम लोग आप में उसका एडमिशन लेने वाले हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले कोर्सेज के लिस्ट देख लो बी एस सी के लिए वो लोग लेंगे सी यू टी पे एडमिशन बी ए ऑनर्स बी बी ए बी एम एस बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो बैचलर कराते हैं उनके लिए सी यू टी वैलि है फिर बी ए इन इकोनॉमिक्स इसके लिए भी सी यू टी वैलिड है आपने कहा कि बी ए ऑनर्स भी क्यों आपने बी बी ए इकोनॉमिक्स को नहीं रखा बी इकोनॉमिक्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है बी ऑनर्स से तो इसीलिए अलग से ही इसको हमने सेक्शन बना के लिखा है देन बी ए प्रोग्राम बी कॉम प्रोग्राम एंड जितने भी वोकेशनल पास कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया इन्होंने निकाली है ऑफिशियली नहीं निकाली है न्यूज़ पेपर्स वालों ने जो डीन एडमिशन है उनकी उनसे बात करके जो भी डिटेल्स है वो अपने वेबसाइट्स पर डाली है तो सारे लोग पूछ रहे थे हमसे तो भी डिसाइडेड की एक वीडियो इस पे बना देते हैं देन जो फॉरन लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड डिटेल भी है शुरुआत करेंगे बी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट था पहले के टाइम में क्या होता था कि जब ये मेरिट बेस्ड एडमिशन निकालते थे तो लेट सपोज मैंने ना पी सी एम पढ़ा हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और मेरे नाइन्टी एट परसेंट आए हैं बोर्ड्स में ओके बेस्ट फोर मिला के मेरा नाइन्टी एट परसेंट है लैंग्वेज प्लस ये तीन सब्जेक्ट लेकिन मुझे अगर ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो चूंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस ट्वेल्थ में था नहीं तो मुझे ना अपने कुछ मार्क्स डिडक्ट करने पड़ते थे डिडक्ट करना मतलब जैसे नाइन्टी मैंने लाया है लेकिन चूंकि मेरा वो जो कोर्स जिसको मैं ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहता पॉलिटिकल साइंस में ट्वेल्थ में था नहीं तो ढाई परसेंट या डेढ़ परसेंट जैसा क्रेटेरिया होता था उतना डिडक्ट हो जाएगा यानी कि मेरा जो एक्चुअल में बेस्ट फोर है अगर मैं उसमें से ढाई परसेंट हटा दूँ तो मेरा तकरीबन बनता है पंचानवे पॉइंट पाँच प्रतिशत तो इस बेसिस पे अब मैं जो है मेरिट में मेरा सिलेक्शन किया जाएगा मेरा जो एक्चुअल स्कोर है पोलिटिकल साइंस के लिए जो मेरिट के लिए उसमें मेरे स्कोर का कंसेंट्रेशन नाइन्टी नहीं नाइन्टी ही लिया जाएगा तो इन्होंने कहा कि अब अगर जो भी बच्चा स्ट्रीम चेंज करना चाह रहा है उसको हम लोग कोई भी मार्क्स कट या कोई भी ऐसा निगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस uh, उसको झेलनी नहीं पड़ेंगे कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज नहीं झेलना पड़ेगा और यही चीज तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बी सी के वकालत करता है बीएससी वालों को कहा कि आपके पीसीबी और पीसीएम सी दो ही तो कॉम्बिनेशन होता तो आपको इसमें क्या करना है जो भी आप इसमें लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी है लैंग्वेज आपको इन सब कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज जो आपका सेक्शन वन था ना उसमें सेक्शन वन ए में तेरह लैंग्वेजेस थे और सेक्शन वन बी में बीस लैंग्वेजेस थे उन दोनों सेक्शन में से एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट रहना ही चाहिए चाहे इन किसी भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना हो उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने एक चीज कंपलसरी कर दी कि लैंग्वेज तो होना ही चाहिए चाहे हमने एक्सप्रेसिटली लिखा है या नहीं लिखा है तो यहाँ पे बी कोर्स में एक लैंग्वेज तो आपको रखना ही पड़ेगा चाहे आप सेक्शन वन बी से रख लो सेक्शन वन ए से रख लो रीजनल लैंग्वेज रख लो या जो हिंदी और इंग्लिश होती है उसको रख लो उसके अलावा आपके जो कोर्स है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट आपको अगर आपने बायोलॉजी ली है तो पी और अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो पी इसके आप एग्जाम्स देते हो एंड इसके बेसिस पे आपको बी एस में एडमिशन मिलेगा यहाँ पे एक हैक है बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम लोग उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं जैसे ये बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ये डोमेन स्पेसिफिक में जो सब्जेक्ट हैं आपके उनके आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे इन तीनों के ठीक है तो क्या हम लोग उन डोमेन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो हमने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है तो देखो मेरे हिसाब से तो देना चाहिए ठीक है वो क्लियरली अभी बहुत सारे वेबसाइट्स पर कुछ क्लियर नहीं करता है एक वेबसाइट ने तो कहा कि ट्वेल्थ वाला ही तो ट्वेल्थ में जिन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ा वही दे सकते हैं ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ हो क्योंकि बहुत सारे सब बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स लेने हैं जो उन्होंने शायद ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है तो वो अगर कंफर्टेबल है उस सब्जेक्ट को एग्जाम देने में तो क्यों नहीं दे सकते इफ दे आर कंफर्टेबल इफ दे कैन गिव द एग्जाम तो क्यों नहीं दे सकते उसको रोका क्यों जाए तो ऐसा जब तक तो ऑफिशियली नहीं आएगा तब तक कुछ कह नहीं सकते बट जैसा मैंने देखा किसी न्यूज़पेपर ने एक्सप्लिटली ये नहीं कहा है एक्सेप्ट uh, जो हमारा मिंट है हिंदुस्तान टाइम्स का कि ये जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है वही सब्जेक्ट में आप अवेयर हो सकते हो और बाकी के सब्जेक्ट में नहीं हो सकते तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें जब आएगा तो हम लोग आपको बता देंगे वैसे मेरी तरफ से टेक ये कि आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो तो मार्क्स वुड बी कैलकुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इन चारों में से कोई भी तीन एंड देन आपका जो लैंग्वेज है उसमें कम से कम ये तो क्रिटेरिया के कम से कम आपका थर्टी आना ही चाहिए भले ही कट एफ आपका कितना भी गया आपने 25 परसेंट लैंग्वेज लाने पे भी कटअप क्वालीफाई कर लिया है बाकी तीन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नंबर ला के डज नॉट मैटर आपके 30 परसेंट होनी ही चाहिए लैंग्वेज में दैट इज़ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये आपका बी एस सी कोर्ससेस के लिए इसमें सारी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं बायोजी बायोटेक्नोलॉजी फिजिक्स हो गया मैथमेटिक्स हो गया सब कुछ देन हमारा स्टैटस्टिक्स देन हमारा बी ए ऑनर्स आता है इसमें हमारे पास जो हिस्ट्री है पोलिटिकल साइंस है सकोलॉजी है सोशलॉजी है सारी चीज़ें आती है इसमें का कि एक लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा सेक्शन वन में जो है सेक्शन वन ए का दे दो या सेक्शन वन बी का दे दो कोई सा भी दे दो फिर दूसरा जो है उनमें से तीन सब्जेक्ट्स आपको देने हैं जो डोमेन सब्जेक्ट्स है ना उनसे तीन आपको देने हैं तो उन्होंने कहा है कि आप जो है कोशिश करें कि जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा वही दे दो क्योंकि मार्क्स तो हम लोग डिडेक्ट करेंगे नहीं फर्ज करें कि आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस और जोग्राफी पर आपको ग्रेजुएशन में चाहिए सोशोलॉजी तो आप सोशोलॉजी पढ़ेंगे डोमेन सब्जेक्ट्स के तौर पे इससे अच्छा आपने जो तीन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी में एग्जाम दे दो आपको सोशलॉजी में एडमिशन के लिए आपका ट्वेल्थ में वो नहीं था तो हम लोग कोई मार्क्स तो डिडक्ट नहीं करने वाले तो जो आपने पढ़ा हुआ ट्वेल्थ में उसी का एग्जाम दे दो ठीक है एंड एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि जो बच्चे ये सोच रहा है कि जैसा टर्म वन का एग्जाम हुआ था वैसा ही हमारा ये एग्जाम होने वाला है तो दिस इज नॉट गोइंग टू तो हैपन ये एग्जाम थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का रखेंगे अगर डोमेन से सवाल उठा रहे हैं तो सिंपल जनरल नॉलेज टाइप वन लाइनर तो आपसे पूछेंगे नहीं तो अगर आपने खुद से अच्छी तैयारी की है तो आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मदद की जरूरत है दे वी आर हेयर डोमेन uh, स्पेसिफिक में ऐसे ही लोगों से आप पढ़ें जो बहुत डीप में कंटेंट आपको देते हैं क्योंकि इसमें एन के हर एक सेशन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे इन्होंने नहीं कहा कि टाइमलाइन से नहीं पूछेंगे इन्होंने नहीं कहा कि हम लोग पर्पल बॉक्स या रेड बॉक्स से सवाल नहीं पूछेंगे सबसे पूछेंगे एंड बिसाइड्स आपसे जो पैसेज बेस्ड सवाल होते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल होते हैं डोमेन में इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि एन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं खासतौर पर ऐसे एग्जाम्स क्रिटिकल रीजन जिसमें पूछी जाती है तो उसमें ऐसे सवाल हमने देखे हैं तो एक आपको लैंग्वेज का देना है और तीन आपका डोमेन का देना है मैक्सिमम आप छे दे सकते हो लेकिन आपका जो स्कोर कैलकुलेट होगा वो आपके बेस्ट थ्री मार्क्स पे ही होगा जैसे पहले होता तो था ना कि आपने बोर्ड्स में चाहे छह सब्जेक्ट में हुआ है या पाँच सब्जेक्ट में हुआ बट आपके जो कैलकुलेशन में हम लोग कंसिड्रेशन में लेंगे वो चार सब्जेक्ट्स का ही लेंगे तो बेस्ट फोर निकलता तो ऐसे ही बेस्ट थ्री निकलेगा आपका डोमेन का तो आप एटलीस्ट तीन ले सकते हैं और एट मैक्स छः ले सकते हो तो ये जो कन्फ्यूजन थी दो सब्जेक्ट एटलीस्ट ले सकते हैं डोमेन में फोर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा कि कम से कम आपको तीन रखना ही पड़ेगा तो ये में

इसमें उन्होंने कहा है यहां पे ये क्लियर नहीं कर है कि ट्वेल्थ में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो ये मान के चलते हैं कि जिनका ट्वेल्थ मैथमेटिक्स नहीं है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं बशर्ते आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा डोमेन में जो मैथमेटिक्स है एक वो चाहिए ही चाहिए एंड इसके अलावा डोमेन के कोई और दो सब्जेक्ट चाहिए ठीक है तो एक आपका लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा एक आपका डोमेन का मैथमेटिक्स नॉट जनरल टेस्ट का मैथमेटिक्स डोमेन का मैथमेटिक्स एलेवन ट मैथमेटिक्स इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना वो जब आप जाओगे ग्रेजुएशन पढ़ोगे तो ज्यादातर आपका कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता रहेगा आप इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी की चीजें आएंगी तो यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स का बहुत अहम रोल होता है तो एक लैंग्वेज देन मैथमेटिक्स एज ए डोमेन एंड इसके अलावा दो आप डोमेन सब्जेक्ट के तौर पर इसमें एग्जाम देकर इसके कट ऑफ को मीट कर सकते हो मैंने कहा कि कम से कम तीन रहने चाहिए आप चाहे पाँच डोमेन दे दो अगर आपको डाउट लगता है इकोनॉमिक्स को लेकर मैं सारे बच्चों को ही सलाह देता हूँ कि लेट सपोज आपका मैथमेटिक्स ट्वेल्थ है ठीक है एंड आप सोच रहे हो कि सर मुझे ना पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डाउट है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चार सब्जेक्ट का एग्जाम दे दें दे दे दे, डोमेन में तीन आपका जो ऑलरेडी है वो और एक मैथमेटिक्स भी दे दे जैसे तीन आपका हिस्ट्री पोलस इकोनॉमिक्स और एक आपने मैथमेटिक्स भी रखा हुआ तो चारों का दे दे इन केस अगर आपका अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स का दोगे दो के अलावा सिर्फ मैथमेटिक्स लेकिन सपोज हमने हिस्ट्री पोलसेंट और मैथमेटिक्स का दिया है तो अगर आपका मैथमेटिक्स का ऊपर नीचे भी जाता है ना तो आपका ओवरऑल बेस्ट थ्री का स्कोर गड़बड़ा जाएगा क्योंकि आपने तो तीन ही लिया हुआ है तो चार ले लो अगर मैथमेटिक्स ऊपर नीचे भी होता है तो हमारा पोल साइंस और अदर कुछ जो भी हमने ऑल्टरनेटिव के तौर पर सोचा हुआ है वो गड़बड़ाएगा नहीं तो ये आप एक स्मार्टली यहाँ पे प्ले कर सकते हो मैथमेटिक्स भी रख लो और इसके अलावा तीन रख लो जो आपने पढ़ा हुआ है या कोई ऐसा भी सब्जेक्ट रख सकते हो जो आपने नहीं पढ़ा हुआ बट आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हो अगर खुद से पढ़ो या कोई करवा दे हो तो ये भी कर सकते हो बट फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप एक अल्टरनेटिव लेकर चलो इनके हिसाब की मैथमेटिक्स थोड़ी सी एवरेज है तो वो ज्यादा बेहतर होगा नाउ कमिंग टू ब प्रोग्राम बी प्रोग्राम एंड जो वोकेशनल पास कोर्सेज होते हैं उनके लिए क्या कहा है एक आपको लैंग्वेज देना पड़ेगा एक कोई सा भी डोमेन उठा ले एंड एक जनरल टेस्ट दे दे लैंग्वेज डोमेन या जनरल टेस्ट या नहीं आप अगर जनरल टेस्ट से स्किप करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज यहाँ पे मैंने कह देना और और क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स विल हैव अ चॉइस ऑफ वन लैंग्वेज वन डोमेन सब्जेक्ट एंड अ जनरल टेस्ट अगर आप इस रास्ते को नहीं चुनना चाहते अगर आप जनरल टेस्ट से बचना चाहते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एस किया है बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है तो उन्होंने कहा कि आप एक लैंग्वेज तो दे ही दो इसके अलावा जैसा बी ऑनर्स का है ना कि तीन डोमेन सब्जेक्ट तो वो कर दो ठीक है एक लैंग्वेज और तीन डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपको देने हैं उस हिसाब से कटऑफ बना देंगे तो सबसे लास्ट में आता हमारा लिंग्विस्टिक प्रोग्राम और सबसे ज्यादा जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया है वो इन्हीं में बना दिया लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की डिटेल्स को लेकर जो भी अभी तक खुलासा हुए है उनको लेकर बहुत ज्यादा मुझे सस्पिशन है बहुत अतरंग सा इन्होंने बनाया है अपना जो क्रिटेरिया है उन्होंने कहा कि आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना है ठीक है अगर आप फॉरन लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहते हो या इवन हिंदी इंग्लिश को ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा और लैंग्वेज में भी दो प्रकार के लैंग्वेज हैं ऐसे लैंग्वेज जो आपने पढ़े हैं आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ा तो आप उसका भी टेस्ट दे सकते हो लेकिन इनके साथ आपको जर्मन चाहिए तो आप क्या करोगे जो आपने ट्वेल्स में नहीं पढ़ा तो उन्होंने कहा है कि दो ऑप्शन है आपके पास या तो आप जर्मन को एज ए लैंग्वेज मानकर उसका टेस्ट दे दो या आप हिंदी इंग्लिश का ही टेस्ट दे दो उसके आधार पर जर्मन के कोर्स का हम लोग कट ऑफ तैयार करेंगे तो आपको कंसिडर करेंगे बट उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रेफरेंस उसको देंगे लाइक जब हम लोग जर्मन का लिस्ट तैयार कर रहे होंगे या पोर्शन का लिस्ट तैयार कर रहे होंगे तो कट ऑफ जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी सिलेक्शन के समय में प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज का वो कोर्स है उस लैंग्वेज में टेस्ट दिया हुआ होगा वैसे तो आप किसी और लैंग्वेज में भी दे सकते हो जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें पर्शियन में एडमिशन लेना है और हमने हिंदी और अंग्रेजी ही पढ़ी हुई ट्वेल्थ तक तो हम क्या करें यहाँ पे आप टेस्ट तो दे सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी का ही लेकिन यहाँ पे जब प्रेफरेंस वाली बात आ गई तो किसी ने मान लीजिए पर्शियन को पढ़ा हुआ है और उसमें टेस्ट दे दिया यहाँ पे एक बात दी को ये भी समझनी चाहिए कि बच्चे फॉरेन लैंग्वेज नहीं आता तब तो वो पढ़ना चाहते हैं ना तो यहाँ पे परशियन और जर्मन कौन उनको सिखाएगा पशियन और जर्मन पढ़ के कैसे वो टेस्ट दे सकते हैं तो दैट इज अ थिंग यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स बना दी है होप कि जब भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो चीजें और क्लियर होंगी दरअसल तो उन्होंने अभी तक यही दिखा कि या तो आप किसी लैंग्वेज में ऐसे लैंग्वेज में टेस्ट दे दो जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है या उस लैंग्वेज में टेस्ट दे दो जैसे यहाँ पे चीजें आसान हो जाएगी उन लोगों के लिए जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी ट्वेल्थ तक पढ़ा हुआ तो कोई इशू नहीं है लेकिन जो फॉरन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे उन्होंने तो ट्वेल्थ तक कुछ पढ़ा नहीं है उसका तो टेस्ट उसका दे नहीं पाएंगे और अगर वो उसका टेस्ट देते नहीं है जो अभी तक लैंग्वेज उन्होंने पढ़ा उसका टेस्ट देते तो फिर प्रेफरेंस में उनको दिया जाएगा सिलेक्शन एडमिशन के वक्त तो उनको रखा जाएगा जो उन्होंने उस लैंग्वेज का टेस्ट दिया है जिस लैंग्वेज का वो कोर्स था जैसे जर्मन का पर्शियन का या अरबी का वो टेस्ट दिया है और आपने हिंदी का टेस्ट दिया भले ही आपके स्कोर कितने बढ़िया बट प्रेफरेंस उसको मिलेगी तो यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो अभी तक एम हैं होप कि जब ये डी यू अपना ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ करें तो चीज़ें क्लियर करें एक डाउट ये भी है कि भाई ट्वेल्थ का जो सब्जेक्ट है जो हमने पढ़े हैं उसी का एग्ज़ाम देंगे डोमेन में उसी को लेना है ये बाहर के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं तो मेरी तरह से आप बाहर के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स ने इस पर कुछ भी नहीं कहा केवल एक हिंदुस्तान मिन्ट्स ने कहा तो हम लोग एक वेबसाइट के आधार पर इसको नहीं मान सकते हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती तब तक, तक आप ये मान के चले कि हो सकता है आपने हिस्ट्री पोल से जोग्राफी पढ़ी हो लेकिन आपको लगता है कि जोग्राफी मेरी थोड़ी सी वीक है मैं हिस्ट्री पोलो सोशलॉजी लेके अच्छा स्कोर कर सकती हूँ तो आप कर सकते हैं कोई इसमें इशू नहीं है तो दैट्स ऑल इन दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होप कि जल्दी जो ऑफिशियल नोटिस है वो आए एंड यहाँ पे जो भी डाउट है आपके होप कि मैंने सॉल्व किए होंगे स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन इजीली कॉल अस ऑन दिस नंबर जो कि नीचे आ रहा है सेवन थ्री वन नाइन सिक्स नाइन सेवन टू डबल नाइन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू एंड आपको अगर सी यू टी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें सी यू टी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें वी आर कमिंग अप विद द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट प्राइस ही बहुत अफोर्डेबल होंगे कोर्स कैरिकुलम बहुत तगड़ा बनाया है मटीरियल बहुत तगड़ा बनाया है दिन रात जाग के काम किया है सो so होप कि आपको चीज़ें पसंद आएंगी एंड इफ यू हैव जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू हैव नॉट वैक्सीनेटेड गेट वैक्सीनेशन थैंक यू